हेलो दोस्तों, लर्निंग एजुकेशन में एक नया टॉपिक के साथ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में आयोजित या लगने वाले इम्पोर्टेंट मेला, जो कि मध्य प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को हमने MCQ के रूप में कराने की कोशिश की गई है, ताकि आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने में आसानी हो। यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 250 से अधिक मेलों का आयोजन किया जाता है, लेकिन हम उन सभी मेलों को याद नहीं करना है, ना ही याद करना पॉसिबल है। हमारे द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट मेलों को सॉल्व कराया जा रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पर इस प्रकार दिख रहा है। लगभग 30 से 35 मेले जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन मेले के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दूं फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संत सिंगा जी का मेला किस जिले में लगता है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास खरगोन, उज्जैन, अनूपपुर, मुरैना। इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, खरगोन। खरगोन में संत सिंगा जी का मेला प्रतिवर्ष लगता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। संत सिंगा जी एक महान संत थे, और इसके रूप में जाने जाते थे। यह मेला प्रतिवर्ष पश्चिमी निवाड़, जिसे खरगोन भी कहा जाता है, के पिपलिया गांव में लगता है। या आप ऑप्शन में पिपलिया गांव मिल सकता है आपको या खरगोन, तो आपको दोनों याद कर लेना, खरगोन के पिपलिया गांव में। चलिए दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से तेजाजी का मेला का आयोजन किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके आपके पास इस तरह से, राजगढ़, सेकेंड खंडवा, थर्ड सागर और फोर्थ गुना। इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, तेजाजी का मेला गुना में लगता है प्रतिवर्ष। अगला है, मध्य प्रदेश में सिंहस्थ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? आपको बताना है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। कितने वर्षों के बाद कुंभ के सिंहस्थ मेले का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 12। 12 वर्षों के अंतराल में सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है। यदि सिंहस्थ मेला, जिसे कुंभ मेला के नाम से भी जाना जाता है, और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में, छिप्रा नदी के तट पर आयोजन किया जाता है इसका 12 वर्षों के अंतराल में। तो आपको प्रश्न में कुछ भी पूछा जा सकता है, या सिंहस्थ मेले का आयोजन किस जिले में लगता है, किस नदी के पर लगता है, या कितने वर्षों के अंतराल में लगता है, तो आप सभी को याद करना होगा। जैसे कि अगर जिले को पूछ ली जाए तो उज्जैन में, और अंतराल पूछा जाए तो 12 वर्षों को, और यदि नदी के बारे में पूछा जाए तो छिप्रा नदी। और भी इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने बता दिया, उज्जैन के छिप्रा नदी के तट पर प्रतिवर्ष 12 वर्षों के अंतराल में सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे कुंभ मेला भी कहा जाता है। और भी यदि भारत में बात की जाए तो भारत में यहाँ पर चार जगह पर आयोजित किया जाता है। पहला तो उज्जैन में, दूसरा हरिद्वार में, भी इसका आयोजन किया जाता है कुंभ का, जो कि गंगा नदी के तट पर। और इसके बाद इलाहाबाद में, भारत का सबसे बड़ा कुंभ का मेला लगता है, जो गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नदी के संगम पर आयोजन किया जाता है इसका। और थर्ड है नासिक, जो कि गोदावरी नदी के निकट पर लगता है। तो आप इन सभी को याद कर लीजिएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि नदी के बारे में पूछा जा सकता है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि हरिद्वार का कुंभ का मेला किस नदी पर लगता है, या इलाहाबाद निम्न में से किस किन किन नदियों पर लगता है, तो आप याद कर लीजिएगा। अगला है, कान्हा बाबा का मेला आयोजन किस जिले में किया जाता है, आपको बताना है। कान्हा बाबा का मेला, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सुडालपुर, हरदा।
सुडालपुर हरदा में प्रतिवर्ष काना बाबा मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है महामृत्युंजय का मेला, आयोजन निम्न से किया जाता है, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एमपी पुलिस में पूछा गया था 2017 में। महामृत्युंजय का मेला प्रतिवर्ष किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास सागर, उज्जैन, रीवा या अमरकंटक। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड रीवा। रीवा में प्रतिवर्ष महामृत्युंजय का मेला का आयोजन किया जाता है, वो भी शिवरात्रि के दिन, अक्टूबर नवंबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है संत नागाजी मेले का आयोजन किया जाता है, आपको बताना है इनमें से। यदि संत नागाजी मेले का आयोजन की बात की जाए तो पोरसा मुरैना, पोरसा मुरैना में संत नागाजी के मेले का आयोजन प्रतिवर्ष या लगता है। ऑप्शन में आपको मुरैना भी मिल सकता है या पोरसा में, पोरसा अधिकतर मिलता है तो आप इन्हें पोरसा भी याद कर लीजिएगा। मुरैना के पोरसा में इसका आयोजन किया जाता है। अगला है शहीद मेला, ये आईएमपी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। शहीद मेले का आयोजन सनावद में किया जाता है, यह किस जिले में स्थित है आपको बताना है। क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया गया है कि शहीद मेले का आयोजन सनावद में किया जाता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ किया जाता है, तो सनावद में आपको बताना है। सनावद किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुना। गुना में सनावद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुना। शहीद मेले का आयोजन गुना के सनावद में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड, हमारे द्वारा मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट जो भी उत्सव और समारोह आयोजित किए जाते हैं उनका वीडियो हमने अपलोड कर दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आप यदि उस वीडियो को नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, या हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। अगला है जल विहार मेला का आयोजन प्रतिवर्ष किस जिले में आयोजित किया जाता है या लगता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। हमने सभी इम्पोर्टेंट मेले को इसमें बताया गया है, जैसे टीकमगढ़, जबलपुर, छतरपुर या झाबुआ, आपको चारों ऑप्शन में से बताना है जल विहार का मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड छतरपुर, छतरपुर में जल विहार मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है चांदी देवी मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, आपको बताना है। महेश्वर, खरगोन, भोगरा, सीधी, सलकनपुर, होशंगाबाद या सोटालपुर हरदा, यह घोगरा है, आप सुधार लीजिएगा, घोगरा सीधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड घोगरा सीधी में चांदी देवी का मेला लगता है प्रतिवर्ष। अगला है पीर बुधान मेला, निम्न में से किस जिले में लगता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सावरा, सावरा शिवपुरी में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष लगता है। आपको हमने इनके जो मेन गांव है उनको भी बताया गया है, जैसे कि सौरा शिवपुरी में, कभी कभी देखा जाए तो परीक्षा में सौरा भर पूछ लिया जाता है, सौरा हो गया, चौरागढ़ हो गया, इस टाइप से पूछ लिया जाता है, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा सौरा की शिवपुरी में। अगला है बड़ौनी, बड़ौनी मेला आयोजित किया जाता है। यदि बड़ौनी मेला की बात की जाए तो दतिया, दतिया में इसका लगता है बड़ौनी मेले का आयोजन होता है प्रतिवर्ष। ये बड़ौनी दतिया में, जो कि योगेश्वर पहाड़ी, योगेश्वर पहाड़ी है उस पर बड़ौनी मेला लगता है, जो कि शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन लगता है ये मेला।
बाबा गरीबनाथ, ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, का मेला कहाँ लगता है आपको बताना है। यदि बाबा गरीबनाथ का मेला की बात की जाए तो शाजापुर, शाजापुर में लगता है ये बाबा गरीबनाथ का मेला। अगला है कालूजी महाराज का मेला लगता है, आपको बताना है इनमें से। आपको बता दूँ फ्रेंड, हमने अभी जो जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं, तो आप इन्हें ध्यान पूर्वक याद कर लीजिएगा। कालूजी महाराज की बात की जाए यदि मेले की, तो ये खरगोन में लगता है, खरगोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी चर्चित भी रहता है ये मेला। गोटमार मेला प्रतिवर्ष किस जिले में लगता है, आपको बताना है। ये कभी पीएससी या एमपी पुलिस, जेल प्रहरी या पटवारी, काफ़ी बार सभी में पूछ लिया गया है ये गोटमार मेला, आपको बताना है कहाँ लगता है। ऑप्शन है आपके पास बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा या होशंगाबाद। यदि गोटमार मेला का बात की जाए तो छिंदवाड़ा में लगता है। दरअसल एक छिंदवाड़ा के पांडुरना तहसील है, पांडुरना तहसील है, उसमें यह प्रतिवर्ष लगता है। काफ़ी सरकार इसमें बैन भी करती है, उसके बावजूद भी यह मेला देखने को मिलता है। ये ऐसा होता क्या है, दरअसल जाम नदी है एक पांडुरना में, जाम नदी के बीचों बीच में एक ऐसा पिल्लर टाइप खड़ा रहता है और इसके दोनों ओर से गांव एक दूसरे पर पत्थर पत्थर मारते हैं एक दूसरे को, जिससे काफ़ी लोग घायल भी होते हैं और यहाँ गवर्नमेंट काफ़ी हद तक के इन्हें मना करती है, पर लेकिन यहाँ फिर भी प्रतिवर्ष हो जाता है और काफ़ी लोग घायल भी हो जाते हैं। तो इस कारण इसी वजह से यह काफ़ी फेमस है गोटमार का मेला। गोटमार से स्पष्ट ही होता है, गोटमार मतलब पत्थर से मारना, एक दूसरे को पत्थर से मारना। तो ये अगर पूछ लिया जाए तो छिंदवाड़ा में है, और डीपली में पूछ लिया जाए तो पांडुरना इसका ऑप्शन हो जाएगा, पांडुरना तहसील में। यदि नदी की बात की जाए तो जाम नदी इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाथ चांद, नाथ चांद का मेला मकर संक्रांति के दिन प्रतिवर्ष लगता है, आपको बताना है इनमें से। यदि नाथ चांद मेले की बात की जाए तो यह पन्ने पन्ने में लगता है मकर संक्रांति के दिन। यदि फ्रेंड अभी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगला है रामलीला का मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, इसका राइट आंसर जगह फ्रेंड जबलपुर, सॉरी ग्वालियर, ग्वालियर में रामलीला का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है जागेश्वरी देवी का मेला किस स्थान पर लगता है, आपको बताना है इनमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अशोकनगर। यदि अशोकनगर में भी पूछा लिया जाए तो चंदेरी, जो कि साड़ियों के लिए फेमस है चंदेरी, और यहाँ पर जागेश्वरी देवी का मेला भी लगता है चंदेरी में। यदि अशोकनगर चंदेरी में, काफ़ी बार पूछ भी लिया गया कि चंदेरी कहाँ स्थित है, तो हमें याद करना है अशोकनगर में स्थित है चंदेरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अशोकनगर। अगला है सलकनपुर, सलकनपुर मेला का आयोजन या मेला लगता है, आपको बताना है इनमें से। हरदा, होशंगाबाद, बैतूल या छिंदवाड़ा। यदि सलकनपुर मेले की बात की जाए तो होशंगाबाद, होशंगाबाद में लगता है या नर्मदा नदी के किनारे। फ्रेंड हमारे द्वारा मध्य प्रदेश से संबंधित पुरस्कार या सम्मान या मध्य प्रदेश का सम्मान परिचय या मध्य प्रदेश से संबंधित पुलिस कांस्टेबल के मॉडल पेपर को तैयार कर हमने वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें ज़रूर देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी।
अगला क्वेश्चन है, धामोनी ऊस का मेला आयोजन निम्न में से किस किया जाता है? आपको बताना है इनमें से कहाँ किया जाता है धामोनी ऊस का मेला। इसका राइट आंसर है फ्रेंड सागर। सागर में धामोनी ऊस का मेला का यह लगता है या आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भापेल का मेला कहाँ लगता है? आपको बताना है भापेल का मेला, भोपाल, सागर, देवास या पन्ना। अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें भापेल का मेला में कि भापेल का मेला भोपाल में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भापेल का मेला का आयोजन सागर में लगता है ये भापेल का मेला, दीपावली के आसपास लगता है भापेल का मेला सागर में। अगला है, हीरामन बाबा का मेला निम्न में से कहाँ लगता है? आपको बताना है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ग्वालियर। ग्वालियर में हीरामन बाबा का मेला लगता है और रामलीला मेला भी ग्वालियर में ही लगता है। अगला है, मठ घोगरा का मेला प्रतिवर्ष लगता है। आपको बताना है इनमें से। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड सिवनी। सिवनी में प्रतिवर्ष मठ घोगरा मेले का आयोजन किया जाता है। कुछ अन्य मेले भी देख लेते हैं जो काफ़ी कम पूछे गए हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यदि बरमान घाट का मेला की बात की जाए तो नरसिंहपुर में लगता है, और उल्दन का मेला की बात की जाए तो सागर में लगता है, चेती मेला की बात की जाए तो ब्यावरा के में लगता है, और हीरा भूमिया का मेला गुना में लगता है, कुआताल का मेला पन्ना ये भी पूछा गया है, प्राणनाथ का मेला पन्ना में लगता है ये भी पूछा गया है काफ़ी बार, कुंडलेश्वर का मेला लगता है ये टीकमगढ़ में, और अम्बरा माता का मेला लगता है छतरपुर में। तो आप इन्हें भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये एक बार देखने में आसानी होगी आपको। और यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे द्वारा मध्य प्रदेश से सभी संबंधित सभी टॉपिक को हल कराया जा रहा है। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। और अंत में फिर से आपको एक बार फिर बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।